हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल DSD। हम तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 12 फीट चौड़े और 50 फीट लंबे घर का डिज़ाइन। दोस्तों हमारे एक व्यूअर हैं जो लगातार लगभग 2-3 दिनों से हमें कमेंट कर रहे थे, और ऐसे ही और भी बहुत व्यूअर हैं जो हमारे पर्सनली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि घर का डिज़ाइन करवाने के लिए, बट किसी कारणवश मैं 1-2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए दोस्तों मेरी तरफ से बहुत बड़ी सॉरी। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ 12 फीट चौड़े और 50 फीट लंबे घर के डिज़ाइन के नक्शे के बारे में। तो दोस्तों ये इसका ग्राउंड फ्लोर की डिटेल है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका आपको 2D व्यू दिखाऊंगा और इसके डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा, फिर आफ्टर दैट इसके 3D व्यू दिखाऊंगा दोस्तों आपको। दोस्तों ये है इसका 2D व्यू जो कि कुछ आपके सामने दिख ही रहा होगा। लेफ्ट में आपके दिख रहा है वो है कि मेन एंट्रेंस। जैसे आपकी मेन एंट्रेंस होती है, मेन एंट्रेंस के लिए हमने कार पार्किंग की जगह छोड़ी है, लगभग 8 फीट चौड़ी जगह है और लगभग हमने 15 फीट की जगह छोड़ी है क्योंकि आगे की तरफ हमने स्टेयर्स को भी यूज़ किया है। और आपके राइट में जो दिख रहा है छोटा सा, वो 4x7 का 4x8 के करीब हमने बाथरूम का डिज़ाइन किया है जो कि हमारे कॉमन बाथरूम टॉयलेट के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको एक राइट साइड में मतलब मेन एंट्रेंस मिलती है, जो कि दरवाजे से मेन एंट्रेंस आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको एक लिविंग एरिया मिल जाता है जहाँ पे लगभग 8x12 की जगह छोड़ी गई है, जिसमें आपको लिए सोफ़ा सेट वगैरह सेटिंग प्लान कर रखा है और बाकी सारी आपकी गैलरी में दिखाई दे रही होगी और आपके एक तरफ में बाथरूम का डोर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों जैसे हम उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपके मेन एंट्रेंस अगले वाले कमरे के अंदर होती है। ये कमरा आपका एक तरह से ओपन कमरा होता है जिसके अंदर आपको एक साइड में तो रूम और अलमीरा वगैरह सेट करने के लिए जगह मिल रही है, और उसके बाद आपको मिलते हैं किचन। किचन का साइज़ हमने रखा है लगभग 7x8 का 7 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा, सॉरी दोस्तों 7 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा। आपको 3D व्यू में इसके स्पेस के बारे में जानकारी दिख जाएगी और बिल्कुल सारी डिटेल दिखने लगेगी। और अब जैसे अंदर की तरफ आते हैं तो आपको सबसे लास्ट में मिलता है 10x10x12 का कमरा जो कि 12 फीट प्लॉट की चौड़ाई के साथ साथ 10 फीट लंबा ही है। दोस्तों ये था इसका ओवरऑल 2D व्यू जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आपको 3D व्यू दिखाता हूँ, बेटर अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। का फ्रंट लुक जो कि कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, आपके राइट में जो देख रहे हैं ये है बाथरूम के लिए विंडो लगा रखी है ताकि आप अंदर की तरफ रोशनी आ सके और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम दूर हो सके। तो दोस्तों इसमें आप पर्दे लगा कर आप इसको कवर भी कर सकते हैं। जैसे आपकी राइट लेफ्ट साइड में आपकी एंट्रेंस होती है यहाँ से, जो कि 8 फीट चौड़ा है। कार पार्किंग के लिए 8 फीट चौड़ी जगह काफ़ी होती है, और लंबाई में हमने इसको 15 फीट के लिए छोड़ा है दोस्तों, और क्योंकि आप आगे की तरफ में स्टेयर दिखाई दे रही होगी दोस्तों। और राइट में आप जैसे ही एंट्री लेते हैं तो आपको दरवाजे से आप अंदर की तरफ आ जाते हैं, और अंदर की तरफ आते ही आपको मिलता है सेटिंग प्लान लिविंग एरिया जो कि सोफ़ा सेट वगैरह लगा रखा है इसमें। दोस्तों ये आपके गेस्ट के लिए यहाँ पे सिटिंग प्लान यही होगा, और उनके लिए बाथरूम यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह होती है दोस्तों। उनके लिए कोई कंफर्टेबल फील होता है और किसी तरह की कंजस्टेड एरिया फील नहीं होगा। अब जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिलता है कमरा जो कि इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 10x12 के करीब रह जाती है। और दोस्तों ये है इसका एक और कमरा। कमरे के बाद जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिलता है किचन। किचन का 7x8 की किचन है जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है। आपको मैंने आपको 2D व्यू में इसके साइज़ के बारे में बता ही दिया है। और उसके बाद जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिलता है एक 12x10 का कमरा, काफ़ी कंफर्टेबल चौड़ा कमरा है। और दोस्तों इसमें वेंटिलेशन का ध्यान रखने के लिए हमने ऊपर किचन के साथ में एक वेंटिलेशन के लिए ऊपर जाल लगाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए कोई घुटन महसूस नहीं होगी, वेंटिलेशन आपको फील हो नहीं होगा, मतलब कंजस्टेड एरिया फील नहीं होगा, और उसमें घर की सारी वेंटिलेशन हवा पानी वहाँ से आती जाती रहेगी। तो दोस्तों ये था ओवरऑल इसका 3D डिज़ाइन जो कि कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ आपको डिज़ाइन अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके ये बताएं कि हमें इसका ऊपर का फ्लोर बनाना चाहिए या नहीं। अगर आप अच्छा लगता है ये वीडियो को आप अगर अच्छे लग रही है वीडियो तो आप ऊपर के फ्लोर्स बनवाने के लिए कमेंट करें दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।